हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप उर्दू में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, जैसा कि 72, 73, 74 मार्क्स, तो आप इजीली गेन कर सकते हैं। लेकिन ये तसव्वुर किया जाता है कि उर्दू में 70+ मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है, और जिस बच्चे के 70+ मार्क्स आ जाते हैं तो समझ लो उसके उर्दू में कंप्लीट मार्क्स आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसकी बदौलत मैंने भी 10th क्लास में 72 मार्क्स आउट ऑफ 75 बोर्ड में भी हासिल किया। जैसा कि आप मेरे प्री बोर्ड में भी देख सकते हैं, 72 मार्क्स हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि उर्दू के एग्ज़ाम में हमारे पास 50 क्यूज़ आते हैं, और इसमें से मेरे 2 MCQs भी गलत हैं, फिर भी मेरे 72 मार्क्स हैं। तो अगर आपके सारे MCQs भी ठीक होते हैं तो आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास 14 MCQs आएंगे, जिनमें से आपको 14 में से 14 को ही मार्क करना पड़ेगा। तो उसके बाद स्टूडेंट, MCQs के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमने लाइन वाइज अटैम्प्ट नहीं करना होता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट होते हैं लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको हम सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे, और ये अबारात के जवाबात होते हैं। तो एक अबारत हमारे पास आती है, उसमें से कम वेश 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने अटैम्प्ट करना होता है उसी अबारत में से ढूंढ के। तो इस अबारत को सबसे पहले आपने केयरफुली रीड कर लेना है, उसके बाद आपने इसको अटैम्प्ट करना है। तो जैसे कि ये अब क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसी तरह आपने क्वेश्चन 1 लिख देना, उसका आंसर लिख देना, फिर 2 के बाद 3, एक एक लाइन भी आपने छोड़ देनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 किया, एक लाइन हमने छोड़ दी ताकि इसे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़े और उसके क्वेश्चन भी वाजे हो जाए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने इसी तरह से, ये हमारे पास 4 5 क्वेश्चन आए थे, तो हमने इसी तरह 5 क्वेश्चन को अपने अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक एंडिंग लाइन लगा दी है। तो उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास मुख्तसर सवालात आते हैं। और इन मुख्तसर सवालात में तो सबसे पहले आपने करना है, जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है उसके आपने इधर हेडिंग दे देनी है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इधर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया हमने। अब इसके गिर्द अपने ब्रैकेट लगा के जो भी इसका मेन टाइटल है उसको लिख के, इसका आंसर लिख के एक लाइन छोड़ देनी है, जैसा कि आपको अभी पीछे बताया गया है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसी तरह 2 क्वेश्चन ये हो गए, और ये हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरह लाइन वाइज आपने ये नहीं करना कि जो क्वेश्चन पेपर पर तरतीब होगी, पहले 5, पहला अगर कर आप 7वां चूज़ कर रहे हैं, 5वां चूज़ कर रहे हो लेकिन हेडिंग आपने 3 वाले की दी हो, तो इसी तरह आपका आंसर जो है वो फिर गलत हो जाएगा। तो इस वजह से जैसा आपने ऊपर उसका सब हेडिंग देनी है, तो वही क्वेश्चन आपने नीचे अटैम्प्ट करना है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमने अटैम्प्ट कर लिए, 5 क्वेश्चन। जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमने एक बोल्ड करके एंडिंग लाइन ड्रा कर देनी है, ताकि एग्जामिनर को वाजह हो जाए कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। उसके बाद आती है हमारे पास इकतबास की तश्ती, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में उर्दू के लिए हवाले से। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के इसमें से मार्क्स कटिंग होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा इबारात के जवाबात, उसमें भी अगर बच्चे ने सही लिखा हो तो उसे कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मुख्तसर सवालात के जवाब आते हैं, अगर वो भी सही तरीके से अटैम्प्ट किए हों तो उसमें भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर इकतबास की तशरीह में काफ़ी खदशा होता है कि आपके मार्क क्या हैं, जो भी हमें पैराग्राफ दिया गया होगा, जैसे कि पाकिस्तान का क्याम, हमने कुछ पहले वर्ड्स लिख लिए हैं इबारत के शुरू से, फिर हमने ये एंड लाइन्स ड्रॉ करनी है, और जो लास्ट पे होगा फिर उसे लिख देना है। फिर लिखने के बाद हमने ये एक स्लैश यहाँ पे भी लगा देनी है। अब उसके बाद हमारे पास है लिखना यहाँ पे हवाला मतन, हवाला मतन लिख के 2 डॉट्स लगा के, फिर यहाँ पे हमने लिखना मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उनवान। इसी तरह से आपने मुसन्निफ़ का नाम लिख देना है, सबक का उनवान लिख देना। अब सबक का नाम नहीं लिखना, सबक का हमेशा उनवान होता है, ठीक है। तो ये लिख के लिख देने के बाद हमें ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने होते हैं, जो कि इस इकतबास की तशरीह की जान है। अगर आपके ये जो अल्फाज मायने हैं ये दुरुस्त होते हैं, तो आपके काफ़ी इम्कान है कि आपको इकतबास की तशरीह में पूरे मार्क्स मिल जाएँ। तो ये हमने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं, तो इसको हमने बॉक्सेस में इसी तरह बंद कर देना, फिर जो भी मायने होंगे सलीस में वो हमने इधर ही लिख देने हैं। फिर इसके बाद हमने नीचे हेडिंग देनी है तशरीह की। अब कभी कभार होता है कि हमें
सियाको सबाक आ जाए, लेकिन एक बोर्ड में इसके मार्क्स नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादातर यही होता है कि सियाको सबाक हमें बोर्ड में नहीं दिया जाता और सिर्फ तशरीह करने को कहा जाता है। अगर आपको सियाको सबाक दे दिया जाए तो आपने फिर वो भी अटैम्प्ट करना है। तो ये तशरीह लिख ली हमने। तो सबसे पहले अब तशरीह में हमने किसी तरह इसका आगाज़ करना है। तो जो भी आपके पास शायर होगा, जैसे कि इस तशरीह में हमारे पास है ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे से थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ आपने लिख देना है यहाँ पे। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीका यह है, जो भी आपने की बुक इस्तेमाल करनी है उस पर लिखा होगा, शुरू में लिखा होता है कि इस शायर के मुतलिक थोड़ा सा तारुफ, तो वो आपने लाजमी याद कर लेनी है एक दो लाइनें, क्योंकि इससे ना एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये देखें, जैसा कि हमने लिखा, ज़ेर तशरीह वारिस उर्दू की दरसी सबक नज़रिया पाकिस्तान से लिखा, डॉक्टर मुस्तफ़ा खान का तर्ज तहरीर बहुत सादा और दिलचस्प है। इसी तरह लिखने के बाद आप ये देखें, अब अगर आपको इस इकतबास की तशरीह में कोई शेर वगैरह याद आता है, कोई आयत वगैरह याद आती है, कोई कौल वगैरह याद आता है, तो आपने वो लाजमी लिख लेना है, इससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप ये तीन चीज़ों का ख्याल रखें इकतबास की तशरीह में, तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहली जो बात मैंने अभी आपसे शेयर किया वो है अल्फाज के मायने आपके सब के सब दुरुस्त होने चाहिए। एंड सेकेंडली जो आपने करना है वो है जो सबक का शायर होगा, मुसन्निफ़ होगा, मुसन्निफ़ का आपने थोड़ा सा तारुफ याद करना है। ये दो चीज़ें होगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, जो आपको कोई भी शेर कौल वगैरह लिखना है, और आपकी ये जो इकतबास है ये भी बहुत सादा तरीके से लिखी जानी चाहिए। मींस के मेन आइडिया इसमें से समझ आ जाना चाहिए। तो इसमें से आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो इसकी 2 साइड्स हैं। जैसा कि ये देखें, ये इधर से स्टार्ट किया है, पहले पेज से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमने लिखना है। और ये सेकंड पेज पर, इस पर जाके आपने लाजमी ख़त्म कर देना। इससे ज़्यादा अगर आप लिख सकते हैं तो थोड़ा सा और लिख लें, नहीं तो इतनी काफ़ी लेंथ है। तो इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये बे दूसरी इबारत, इसी तरह इसको भी हमने लिख लेना है, बे इबारत को। इबारत के यहाँ पे हमने हवाला है मतन वगैरह लिखने के बाद जो भी है, इसी तरह से उसी पैटर्न के साथ आपने जाना है। यहाँ पे फिर तशरीह की हेडिंग दे देनी है। अब थोड़ा सा मुसन्निफ़ के बारे में आपने थोड़ा सा लिख देना है, जो भी इसने उसका तारुफ होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है। इसके अंदर कोई भी आपने कॉल वगैरह ऐड करना है तो वो जो भी चीज़ है वो आपने ऐड कर देनी है। तो इसमें से आपको 5 में से मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं। तो 10 मार्क्स का ये 2 ही आपको आएंगे और 2 ही आपको अटैम्प्ट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये मेन क्वेश्चन है, तो इसको आपने ध्यान से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है खुलासा, सबक का खुलासा। सबक का खुलासे में ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। और ये जैसा कि खुलासा मैंने अटैम्प्ट किया, नज़रिया पाकिस्तान ये लिख दिया हमने, मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। इसी तरह से आपने फिर यहाँ से अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही एक पैराग्राफ ख़त्म हो तो आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है, फिर से अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। और याद रहे कि जो खुलासा है इसमें आपने हेडिंग्स नहीं बनानी, क्योंकि ये बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ना, ना इसमें कोई शेर वगैरह ऐड करना, ना कोल ऐड करना है। सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपने खुलासे को 3/4 हिस्से पे, जैसा कि अगर आपका सबक पे खुलासा दिया हुआ है 9 पेजेस का, तो आपने सिर्फ 3 पेजेस अटैम्प्ट करनी है, यानी कि तीसरा हिस्सा आपने अटैम्प्ट करना है सबक के लिहाज से। तो इसी तरह से आपने इसमें कोई कोल वगैरह नहीं ऐड करना, अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में तो इसको अपने अटैम्प्ट कर देना सबक को। ये देखें, ये साइड भी हमने कर ली, उसके बाद ये साइड। इसकी भी मैक्सिमम लेंथ जो नोट की गई है वो यही है कि आपका जो खुलासा है वो कम से कम 2 से 2.5 पेजेस का होना चाहिए, 2 से 2.5। एक साइड तो ये हो गई हमारे पास, जैसा कि आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये साइड हमारे पास हो गई है, और उसके बाद ये साइड हमारे पास हो गई है, ठीक है। इसमें कोई कॉल कुछ भी नहीं आपने ऐड करना, सिर्फ खुलासे को ही लिखना है आपने। इसमें अगर आपके पास वक्त हो तो आपने लाजमी इसमें हाईलाइट वर्ड कर देने हैं बोल्ड, ताकि एग्जामिनर उन बोल्ड वर्ड्स को पढ़ के ही आपका खुलासा टिक मार कर दे और आपको पूरे मार्क्स दे दे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोज़ मिल सकें। और अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, किसी चीज़ के मुतालिक वीडियो चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन लेंथ के बारे में, जो भी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से, जो भी जिस तरह के भी आपको वीडियो चाहिए, तो आप
कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अशआर की तशरीह, और ये सब इकतबास की तशरीह के बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों के काफ़ी मार्क्स कटिंग होते हैं। तो हिस्सा अव्वल का ये क्वेश्चन है अशआर की तशरीह, क्वेश्चन नंबर वन। इसमें दो हमारे पास पार्ट होते हैं, एक होता है हिस्सा नज़म और एक होता है हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा नज़म में हमने तीन तशरीह करनी होती हैं और हिस्सा गज़ल में दो की करनी होती हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है टोटल। तो सबसे पहले ये देखें, हिस्सा नज़म लिखने के बाद हमने अलिफ लिख दिया, यानी कि अलिफ शेर। अगर आप यहाँ पर शेर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके मार्क्स कोई नहीं है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इधर आपने अलिफ लिखने के बाद ये देखिए, जैसा कि हमने शेर लिखा, लिखना है शायर का नाम लिखना और नज़म का उनवान लिखना। हमेशा याद रखना है उनवान है, सबक का भी उनवान है, नज़म का भी उनवान है। तो इसके बाद लिखने के बाद हमने लिखना है मफहूम। मफहूम के इधर हमने जैसा कि ये मफहूम में लिख दिया, उसके बाद हमने तशरीह करनी है। तशरीह में फिर वही तर्ज आ गया कि सबसे पहले अपने जो भी शायर है, मुसन्निफ है, उसका आपने थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन याद कर लेना है। और इसकी तशरीह में, नज़म की तशरीह में हमारा कम अज़ कम एक शेर लाजमी होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो जितने भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो एक साइड से डेढ़ साइड तक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादा आपने इसको वक्त नहीं देना। उसके बाद हमने ये जीम वाला पार्ट किया, इसी तरह से वो हमने शेर लिख दिया है, हवाला नज़म जो भी है उसका नाम वगैरह लिख के मफहूम लिखना है। मफहूम के बाद फिर हमने इसी तरह से तशरीह ऐड कर देनी है। और उसके बाद तीसरी वाली भी हमने कर दी है, ये शेर लिखने के बाद मुसन्निफ शायर का नाम लिख देना, नज़म का उनवान, फिर मफहूम लिख देना। मफहूम के बाद हमने ये लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा नज़म वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब बारी आती है हिस्सा गज़ल की पार्ट की। तो हिस्सा गज़ल में हमने 3 अशआर में से 2 अशआर करने होंगे। तो ये देखें, जैसा कि इसमें भी हमने सबसे पहले ये लिख देना है, अलिफ वाला पार्ट किया तो अलिफ वाले शेर को लिख देना है। फिर उसके बाद अब ये देखें, अब इधर गलती से लिखा गया, लेकिन यहाँ से आपने लिखना है हवाला है गज़ल है। जैसा कि पैं तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो इसके मार्क्स नहीं हैं। शायर का नाम लिखना आपने, फिर उसके बाद लिखना है सिनफ़े अदब जो कि गज़ल है। इस फैक्टर को भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मफहूम लिखना है, मफहूम जिसी तरह नज़म हिस्सा नज़म में लिखा था। अब तशरीह में तशरीह लिखनी है, उसी तरह देखें जैसा कि शायर का नाम भी आपने लाजमी याद कर लेना, नाम के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका याद करना। फिर तशरीह करनी है, तशरीह में हमने एक साइड कर लेनी है और मैक्सिमम डेढ़ साइड अगर हो सके तो कर लेनी है। उसके बाद हमने फिर करना है जीम वाला पार्ट, हवाला है गज़ल। गज़ल के पार्ट को भी हमने इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। कोई भी आप कोड ऐड कर सकते हैं, कोई शेर ऐड कर सकते हैं, कोई हदीस वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई पुरानी आयत ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास मज़मून नबीसी, जो कि उर्दू के पेपर की जान है। 15 नंबर का ये सवाल है, और इस सवाल में भी बच्चों के काफ़ी मार्क्स कटिंग होती हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों के मार्क्स कटिंग होती हैं। तो ये सबसे पहले हमने ऊपर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सा करके, फिर मज़मून नबीसी, और जो भी लिखना है हमने मज़मून उसकी हमने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है। बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें 3 मज़ामीन आएंगे जिनमें से हमने सिर्फ एक अटैम्प्ट करना होगा अपनी मर्ज़ी से। तो इसी तरह से इसको हमने अटैम्प्ट करना है, स्टार्ट कर देना है। और ये देखें, जैसा कि आपने इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, इसमें आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप अशार ऐड कर सकते हैं, अशार के साथ अहादीस ऐड कर सकते हैं, कोई अकवाल ऐड कर सकते हैं। तो इसकी अब लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम इसकी 4 साइड्स यानी कि एक कंप्लीट शीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितना भी आप लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये पूरी साइड आ गई हमारे पास। अब एक इम्पॉर्टेंट आपसे बात शेयर करूँ जो मैं पीछे बोल गया था, वो ये है कि जब भी आपने कोई अशार, कोई कौल या हदीस ऐड करनी है तो उससे ऊपर एक लाइन आपने छोड़ देनी है और उससे एक नीचे लाइन छोड़ देनी है, ताकि एग्जामिनर को वाज़े हो सके। इससे एक तो आपके मज़मून की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके बाद इम्पैक्ट भी एक अच्छा पड़ जाएगा। तो ये हमने ऐड कर देनी है इस तरह से, ये एक साइड होगी, एक साइड ये हमारे पास है। अब ये वाली एक पूरी साइड होगी। जब भी हमने कोई शेर ऐड करना है तो इसके लिए ये अलामत लगा देनी है, ये शेर की अलामत है। अगर आप ये अलामत नहीं लगाएंगे तो इससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपने इसका लाजमी ध्यान रखना है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, कीवर्ड्स, उनको आपने हाईलाइट कर देना, जैसे कि मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये 2 साइड्स हो गई हैं, और ये तीसरी हमारे पास साइड है,
और ये तीसरी साइड है, तो इसी तरह से आपने इसको भी अटैम्प्ट करना है। तीसरी साइड के बाद हमारे पास ये है, हमारे पास अब चौथी साइड। तो कम से कम आपके इतना तो लिखना है ये मज़मून। उसके बाद कुछ आप अहदीस भी ऐड कर सकते हैं, कॉल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने पांचवी साइड भी कर दी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो ये मैंने पांचवी साइड भी कर दी है। तो आप कम से कम आपने चार साइड करनी है, मैक्सिमम आपसे जितना हो सके आपने उतनी साइड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।